दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र के रहमगंज मोहल्ले में आज एक युवक को अज्ञात अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी। बताया जा रहा है कि युवक 22 वर्ष का है और अपने घर में सो रहा था कि उसी दरमियान गोली मारी। घायल युवक दरभंगा DMCH के इमरजेंसी विभाग में लाया गया। मौके पर लहरियासराय थाना प्रभारी मौजूद रहे। हमको फोन किया, हम ऑफिस से दौड़े दौड़े यहाँ आए हैं। घटना क्या लगता है, मैंने प्रेम प्रसंग के काम भी मारा इसकी लड़की के साथ, पिछले 2 साल से बातचीत चल रहा था, बस यही बात है सर, कोई बात नहीं। सुबह में कब आया, कितने बजे? कौन सुबह में आया? आज सुबह में गोली मारने के लिए जो है, कौन? हम तो 8:30 बजे निकल गए ऑफिस से, करीब करीब वही 9:30-10 बजे के बीच में ये घटना घटा है। घर के अंदर घुसा? घर के अंदर घुसा। मेरा पोता पोती है छोटा, उस सब बाथरूम में नहा रही थी मेरी पत्नी, उसको मेरी पुतू खाना बना देती, आगे घर में कोई नहीं। तो फिर यही घटना घटा, मार के चलो यही घटना घटा। पहचान नहीं पाए हम लोग कौन है, मास्क लगाया हुआ था, हेलमेट पहने हुआ था। अगल बगल कोई नहीं देखे? कोई था ही नहीं सर, 10 बजे का दिन है, 9 बजे सब अपना अपना घर में था। कहाँ पर हुआ घटना? मेरे घर पर हुआ। जगह ना बोली, रामगंज। 55 इंडिया का फेवरेट प्ले स्कूल, विजिट करें www.bachpanplayschool.com। पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की बैठक सेंट्रल सेकेंडरी स्कूल मिश्र टोला दरभंगा के प्रांगण में दिन के 2 बजे से संघ के अध्यक्ष श्री HN कश्यप की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में COVID-19 के तहत बिहार सरकार के द्वारा घोषित 11 अप्रैल 2021 तक बंदी को बिहार के सभी पब्लिक स्कूल के प्रबंधकों के द्वारा पूर्ण तरह पालन किया जा रहा है एवं एक भी कोचिंग या प्राइवेट स्कूल इस गाइडलाइन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं। वहीं स्कूल संस्थान के अलावा बिहार के प्रत्येक गतिविधियां COVID-19 के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए यथावत चल रही है, लेकिन वहीं पर जिस संस्था में COVID-19 के गाइडलाइंस का 100% पालन किया जाता है, वैसे संस्था को सरकार अपनी मनमर्जी के तहत एक मुखौटा बनाती हुई प्राइवेट स्कूल को जब चाहे तब बंद करने की घोषणा कर देते हैं। जो भी विद्यालय विगत 1 साल से बंदी को झेल रहे थे, जब 1 मार्च 2021 को विद्यालय खुलने की घोषणा हुई थी, निजी स्कूल के प्रबंधक दिन रात एक करते हुए अपनी क्वालिटी का बेहतर प्रदर्शन करते हुए अभिभावकों के दिल को जीतते हुए COVID-19 के गाइडलाइंस का 100% पालन करते हुए स्कूल का सफल संचालन कर रहे थे। उसी क्रम में अचानक बिहार सरकार के द्वारा एकाएक 11 अप्रैल 2021 तक बंदी की घोषणा कर दी गई। पुनः यदि 11 अप्रैल के बाद बिहार सरकार के द्वारा दोबारा बंदी की गई तो किसी भी स्कूल को डराना मुश्किल हो जाएगा। और इनके सहमत हैं इनके फैसले से हम, और आज 11 महीना से कोरोना का मार झेलते हुए पुनः मार्च में हम लोगों ने स्कूल खोला था, और जस्ट 1 महीना चलने के बाद 1 तारीख से जब स्कूल खुलने की 5 तारीख से स्कूल खुलने की बात थी, राज्य सरकार ने कोरोना का नाम दे करके पब्लिक स्कूल को बंद कर। सरकार को अपने स्कूल की जो व्यवस्था है वह पूर्णतः सही नहीं है। 2 कमरे में स्कूल चला करके 900 बच्चे रखते हैं, जहां 8-10 टीचर होते हैं। हमारे यहाँ 10-10, 12-12 कमरा में हिसाब से बच्चे, 30 कम बच्चे के हिसाब से एक कमरा होता है, एक क्लास सेक्शन होता है। उस तरह से कोरोना का पूरा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए निजी विद्यालय अपने अपने विद्यालय को संचालित कर रहे थे। उस व्यवस्था को भी देखते हुए सरकार ने अभी बंद करने का आदेश दिया। हम लोगों ने 11 तारीख तक अपने विद्यालय बंद किया, सरकार के आदेश का पालन किया है और कर रहे हैं। लेकिन 11 तारीख के बाद हम लोग निजी विद्यालय वाले अपनी अपनी विद्यालय खोलेंगे, और कोरोना यदि है तो कोरोना के प्रोटोकॉल को, नियम को पालन करते हुए 50% 25% ही बच्चे को बुला करके एक दिन में शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन विद्यालय बंद नहीं करेंगे। राज्य सरकार से आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। संघ लड़ने के लिए तैयार है, पूरे राज्य का पब्लिक स्कूल एसोसिएशन लड़ने के लिए तैयार है। जब मरना ही है तो कट के मर जाएंगे, आत्महत्या करके मर जाएंगे, आत्मदाह करके मर जाएंगे, लेकिन संस्था को खोल के रखेंगे, संस्था को चलाएंगे। पूरे जगह कोरोना 1,15,000 आज के डेट में पेशेंट पॉजिटिव मिला है। पूरा भारत खुला हुआ है, हर विभाग खुला हुआ है, हर संस्था खुली हुई है, पब्लिक का हर पैलेस खुला हुआ है।
मॉल और सिनेमा हॉल से लेकर के होटल और रेस्टोरेंट तक खुला हुआ है। पब्लिक पूरे रोड पे जाम लगा रहा है, हर जगह पर जाम लग रहा है चौक पर, लेकिन सब जगह सब ठीक है, केवल पब्लिक स्कूल बंद है। सरकार की अपनी विद्यालय से तो कोई मतलब नहीं है, 100 नंबर में 2 नंबर ही बच्चे लाते हैं, बच्चा उत्तीर्ण हो जाते हैं, दूसरे क्लास में चले जाते हैं। लेकिन पब्लिक स्कूल यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देती है, सरकार उस शिक्षा को दबाना चाहती है, दबाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, खुद तो बर्बाद है ही, दूसरों को भी जो शिक्षा दे करके समाज में एक अच्छे नागरिक बनाने का काम करते हैं, उसे भी आज रोकने का काम राज्य सरकार और भारत सरकार कर रही है। नाम बताइए। मैं नाम HK श्रीवास्तव हुआ, संघ के मैं मीडिया पर।